जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे श्री आई एस चैनल पर कैसे हैं आप सभी दोस्तों उम्मीद करता हूँगा इस लॉकडाउन में घर पर होंगे सेफ़ होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए बेहतर तरीके से पढ़ाई करते होंगे दोस्तों 20 से 25 दिन का एक गैप हो गया था जिसके लिए कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और साथ ही हमारा जो टीम वर्क था तो कुछ सेटअप हमारा डैमेज हो गया था जिसको लॉकडाउन के चलते रिपेयर कराने में काफ़ी लंबा समय लग गया था इसी वजह से वीडियो लेट हो गई हैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से और आगे से ये वीडियोस कंटिन्यू लगातार आपको मिलती रहेंगी जैसा कि अभी परसों एक वीडियो अपलोड की गई है और आज ये वीडियो फिर आ रही है और अब करंट अफेयर्स की भी वीडियोस लगातार आती रहेंगी और इसी के साथ साथ हम लोगों ने जो नए नए प्रोग्राम्स लॉन्च करने के आइडिए रखे थे उसको भी अब शुरू किया जाएगा तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देंगे और उतना ही सपोर्ट देंगे जितना पहले दे रहे थे और प्लीज़ दोस्तों अपने कोई भी सुझाव या कोई भी अपने राय आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए जिसमें हम और भी अपने चैनल के लिए इनोवेटिव कर सकें और आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके से प्रस्तुतिकरण कर सकें दोस्तों आज के हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे जिसमें बैंकिंग प्रणाली चल रही थी उसमें हमने टाइप्स ऑफ बैंकिंग पढ़े थे पेमेंट बैंक्स पढ़ा था बहुत सारे बैंक्स पढ़े थे कोर बैंकिंग पढ़ी थी तमाम चीज़ें पढ़ी थी उसी में एक और पार्ट है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है एन बी एफ आज का टॉपिक होगा हमारा नॉन बैंकिंग फिनांसियल कंपनीज या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ और आज के टॉपिक के साथ ही एक बेसिक आइडिया अर्थात बेसिक टॉपिक कंप्लीट होते ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में कमर्शियल बैंक पे आएंगे जिसके तहत हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो जमा लेता है किस तरीके से ऋण देता है और कैसे वो एन अपने क्रिएट होते हैं तो एन को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए बहुत सारे जो पॉलिसीज़ आई हैं जिसमें सरफेसी एक्ट देखेंगे डीआरसी देखेंगे और एआरसी है प्रोजेक्ट सशक्त है आईबीसी है इनसॉल्वेंसी सालवेंसी कोड इन सब के बारे में हम डिटेलिंग धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए क्लास में करेंगे आइए दोस्तों आज की क्लास पे हम शुरुआत करते हैं एन आपने लगातार एन के बारे में अपने न्यूज़ में या टीवी चैनल पे या यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को सुना होगा और इसके साथ ही एन के बारे में जो चर्चा हुई है उसको सुनने के साथ साथ पिछले कुछ महीनों पहले आपने सुना होगा एक आई एल एफ एस करके एक एन बी एफ सीज़ था जिसका नाम था आई एल एफ़ एस करके एक एन बी एफ सीज थी जो घोटाले में हो गई थी अर्थात दिवालियापन की तरफ जा रही थी तो इसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एन के टॉपिक लगातार चर्चा में आए आप लोगों ने सुना भी होगा उनके बारे में कुछ जानकारियाँ भी कलेक्ट की होंगी लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स में एक चरणबद्ध तरीके से एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो इसमें हम एन के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ जो प्री में एग्ज़ाम्स के तौर पे पूछा जा सकता है कि एन क्या होता है किस एक्ट के माध्यम से कार्य करता है इस पर रेगुलेशन बॉडीज़ कौन सी होती है इन सब के बारे में पूरी डिटेल से हम समझेंगे दोस्तों इसमें हम स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे कि एन अर्थात एन को हम क्या कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां ध्यान दीजिएगा एक शब्द लिखा हुआ गैर बैंकिंग इसका मतलब ये बैंक की तरह काम तो करती हैं लेकिन बैंकिंग नहीं कहलाएंगी अर्थात बैंक नहीं कहलाती हैं इसलिए इनको गैर बैंकिंग कहा जाता है आइए हमको इसको डिटेल में समझते हैं कंपनी अधिनियम 1956 जो सबसे पहला अधिनियम माना जाता है हमारे यहाँ कंपनी के क्षेत्र में तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत वे सभी कंपनियाँ जिनका मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों ऋण उपलब्ध कराना विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का व्यापार करना बीमा कारोबार शेयर डिवेंचर चिट फंड संबंधी कारोबार आदि में निवेश करना होता है तथा विभिन्न प्रकार से जमाएं स्वीकार करनी होती हैं उसे हम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कहते हैं अगर हम दूसरी भाषा में कहें कि 1956 जो कंपनी एक्ट है इसके अंतर्गत कुछ ऐसी कंपनियां रजिस्टर्ड होंगी जो प्रतिभूतियों का खरीद बिक्री करेंगी और साथ ही साथ ऋण उपलब्ध कराएंगी चिट फंड संबंधित कार्य भी करेंगी और विभिन्न प्रकार की जमा स्वीकार करेंगी तो उनको हम गैर वित्त बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कहते हैं ज़रा हम आगे देखते हैं कि जमा किस प्रकार की स्वीकार करती हैं और किस प्रकार से ऋण उपलब्ध कराती हैं तो हम इस पर आगे डिटेल में चर्चा करेंगे लेकिन इसकी मैं एक और छोटी सी परिभाषा बता दूं आपको एक तरीके से सामान्य अर्थों में कहें तो कि ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो बैंक तो नहीं हैं किंतु वे बैंकों की तरह जमा राशि को स्वीकार करती हैं इस पर ध्यान दीजिएगा जमा राशि की बात हो रही है ओनली डिमांड नहीं हो रही है डिमांड डिपॉजिट नहीं है मांग जमा नहीं है बैंकों की तरह ऋण सुविधा प्रदान करती है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ कहलाती हैं आगे अगर आप देखें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ मांग जमा स्वीकार नहीं करती हैं और न तो डिमांड ड्राफ्ट जारी करेंगी और न ही चेक जारी कर सकती हैं मैंने इस पर आपको फोकस किया कि यहाँ पे जमा राशि लिखा हुआ है और यहाँ मांग जमा स्वीकार नहीं करती हैं दोस्तों मांग जमा क्या होती है जिस तरीके से हमने बैंकिंग चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम बैंक में जाते हैं कुछ पैसा वहाँ जमा करते हैं तो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है कि हम किसी भी समय ए के माध्यम से या चेक के माध्यम से या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या खुद बैंक में जाके विड्रॉ फॉर्म भर के पैसे को जिस समय चाहें उस समय निकाल सकते हैं तो ऐसी जमा जो है कि एन नहीं लेता है लेकिन कुछ जमा राशियाँ स्वीकार करता है जैसे बड़े बड़े लोन के लिए या सरकार से प्राप्त करता है या बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वहाँ से पैसे कलेक्ट करता है तो उसको हम कहेंगे जमा राशि तो स्वीकार कर रहा है लेकिन मांग जमा राशि स्वीकार नहीं करता है और यदि ये मांग जमा राशि स्वीकार नहीं कर रहा है तो फिर पैसे निकालने के लिए डिमांड ड्राफ्ट भी नहीं देगा और ना ही चेक जारी कर सकता है तो आपने देखा कि ये बैंक तो नहीं है लेकिन बैंकों की तरह कुछ काम कर रहे हैं और ऋण की सुविधा प्रदान कर रहे हैं अब आपके दिमाग में आएगा कि सर जब हम पैसे जमा नहीं कर रहे हैं तो ऋण की सुविधा ये किसे देगा ये ऋण किसको देगा तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों एन बी एफ सीज एक कंपनी है जो बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं और उनके अंडर में बहुत छोटी छोटी संस्थाएं होती हैं जो ग्रामीण लोगों तक शहरी लोगों तक सीधे कनेक्टेड होती हैं और एक चैन के रूप में हैरारकी के रूप में ऊपर से नीचे तक पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है ऋण के रूप में अब समझ में आया आपको अभी हम आगे देखते हैं जैसे एम आपने सुना होगा एक नाम क्या नाम होगा एम एफ आई माइक्रो फैनानस इंस्टीट्यूट सूक्ष्म वित्तीय संस्थान जो छोटे छोटे कुट उद्योग होते हैं गांव में जो हथकरघा उद्योग होते हैं बुनकर समाज होता है उनको लोन प्रदान करने के लिए एम का ही प्रयोग किया जाता है और एम को जो पैसा मिलता है वो एन के थ्रू मिलता है तो अब आपने देखा कि एन ने एम संस्था को पैसा दिया और एम से अर्थात माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से गांव के ग्रामीण लोगों ने किसानों ने बुनकरों ने या हथकरघा उद्योगों ने लोन लिया पैसा लिया और अपनी आजीविका के साथ साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया तो इस तरीके से एन जो बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक अर्थात ग्रामीण व्यक्ति तक गांव के अंतिम व्यक्ति तक लोन प्रदान करने की योग्यता रखता है या एक चैन बना के रखता है श्रृंखला बना के रखता है चलिए आगे हम देख लेते हैं जब हम इसके बारे में और जानते हैं तो आर के अनुसार अगर हम बात करें आर के अनुसार एन की दो श्रेणियाँ होती हैं एक होती है एन डी और एक होती है एन बी एफ एन डी डी का मतलब होता है दोस्तों डिमांड स्वीकार करना अर्थात डिपॉजिट स्वीकार करना और एनडी का मतलब होता है जमा को स्वीकार नहीं करना दो प्रकार की एन होती हैं दोस्तों एक होती है जमा स्वीकार न करने वाली एन जिसको हम कहते हैं एन बी नॉन डिपॉजिट इसका मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे नॉन डिपॉजिट ठीक है तो नॉन डिपॉजिट होती हैं अधिकांशतः जितनी भी एन हैं वो नॉन डिपॉजिट पे ही वर्क करती हैं लेकिन कुछ एन हैं जिनके पास जमाएँ स्वीकार की जाती हैं वो जमा स्वीकार भी करती हैं आगे हम देखते हैं एक और फैक्ट है इनके लिए जो प्री में पूछा जाता है कि ये कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कार्य करती हैं अब ज़रा बेसिक डिफरेंस समझिएगा ऊपर आपने पढ़ा था कि कंपनी अधिनियम कौन सा पढ़ा था 1956. तो क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछता है या जितने भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं आयोग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन का पंजीकरण उन्नीस के एक्ट के तहत होता है बिल्कुल सही और इनके कार्य करने की जो पद्धति होती है या कार्य करने की जो शक्तियाँ होती हैं वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत होती है तो ये भी सही हो जाएगा तो इस तरीके से प्री ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं लेकिन जब हम मेंस में इनकी भूमिका देखते हैं एन का इसका क्या रोल होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में ये कहाँ तक सहायक होती हैं आर्थिक क्रियाओं में कहाँ तक सहायक होती हैं इस तरीके के जब मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम उस पर भी डिबेट करेंगे अभी हम आगे इसको भी समझेंगे आइए हम जरा एक और फैक्ट देख लेते हैं अगर आपसे पूछता है यूपीएससी या किसी भी एग्जाम्स में पूछता है कि एन ओपन करने के लिए या एन की कोई कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम दो करोड़ रुपए की राशि होनी चाहिए फ़ंड होना चाहिए कितना दो करोड़ रुपए का अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें लिख रहा है कि इनका नियमन और पर्यवेक्षण आर के द्वारा किया जाता है जिस प्रकार से बैंकों का रेगुलेशन आर के द्वारा किया जाता है बैंकों से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती हैं जो भी कानून होते हैं उनकी देखरेख आरबीआई करता है इसी प्रकार से एन की भी देख उनके लिए नियम बनाना उनका पर्यवेक्षण करना ये सारा काम आर देखती है दोस्तों लेकिन कुछ एन ऐसी भी होती हैं जो आर के नियंत्रण से बाहर होती हैं जैसे होता क्या दोस्तों कि कुछ एन संस्थाएं होती हैं जो इंश्योरेंस क्षेत्र में होती हैं या बीमा सेक्टर में लोन देती हैं या हाउसिंग फाइनेंस के सेक्टर में लोन देती हैं ऋण उपलब्ध कराती हैं तो ऐसे में क्या होता है कि उनके पास दोहरा नियंत्रण हो जाता है एक आर का नियंत्रण होगा और एक जिस सेक्टर में वो लोन दे रही हैं उनका भी एक नियामक बॉडी होता है जो मैंने दो तीन लेक्चर पहले ही बताया था कि वित्तीय बाज़ार के जो घटक होते हैं जिसमें हमने एरिडा को पढ़ा था पी को पढ़ा था सेबी को पढ़ा था आर को पढ़ा था एफ को पढ़ा था तो ये भी एक नियामक के रूप में बॉडीज़ हैं जो अपने सेक्टर के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाओं पे कंट्रोल करती हैं जैसे इरडा इंश्योरेंस के लिए पी पेंशन के लिए है आर बैंकिंग के लिए से बी शेयर मार्केटिंग के लिए है तो इस तरीके से कुछ एन हैं जो आर के नियंत्रण से बाहर होके इन संस्थाओं के नियंत्रण में काम करती हैं जैसे वेंचर कैपिटल फंड हो गया या मर्चेंट बैंक हो गया ये सब सेबी के द्वारा पंजीकृत होती हैं और सेबी के नियंत्रण में काम करती हैं इसका मतलब इस पर आर का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है इंश्योरेंस कंपनी इरडा के द्वारा पंजीकरण और नियंत्रित होती है जो कि मैंने पिछली कक्षाओं में बता दिया है कि इरडा क्या है और इसकी फॉर्म क्या होती है इसी की तरह हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी होती हैं जो एन अर्थात राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भी विनियमित होती हैं इसी तरीके की विभिन्न नियामकों द्वारा विनियमित किए जाने के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के नियंत्रण से इनको बाहर रखा गया है तो अब आप समझ रहे होंगे कि जितने भी प्रकार की एन हैं सभी एन का नियंत्रण आर के द्वारा नहीं किया जाता है और अक्सर एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन रख के आपको कन्फ्यूज़ किया जाता है क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्या सभी प्रकार की एन का नियमन और रेगुलेशन पर्यवेक्षण आर के द्वारा किया जाता है तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत कि आर के द्वारा सभी एन का नहीं किया जाता है बल्कि अधिकांश एन का किया जाता है और कुछ एन का इरडा के द्वारा होता है सेबी के द्वारा होता है राष्ट्रीय आवास बैंक अर्थात एन नेशनल हाउसिंग बैंकिंग के द्वारा किया जाता है तो ये जो आपकी एन हैं ये आर के नियंत्रण से बाहर होती हैं लेकिन अगर सामान्य भाषा में पूछें तो जितनी भी एन हैं मैक्सिमम एन का नियमन आर के द्वारा ही किया जाता है ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ अब हम देखेंगे मेंस ओरिएंटेड चीज़ों को आपसे मेंस में पूछा जाता है पिछले कुछ क्वेश्चंस को अगर आप उठा के देखेंगे यूपीएससी के पेपर को या स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम्स को तो उसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि लगातार या हाल ही में एन चर्चा में बनी हुई है एन की भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका होती है या हमारे देश की जी को ग्रोथ कराने में क्या भूमिका होती है या पर कैपिटल इनकम को बढ़ाने में क्या भूमिका होती है तो लगातार एन की विशेषताओं के साथ साथ एन की भूमिका पर भी प्रश्न बनाए जाते हैं और यहाँ पर आपको फैक्ट के साथ साथ उसकी कार्य प्रणाली और उसकी भूमिका इस पर भी फोकस करना होता है तो आइए हम देखते हैं आर्थिक विकास में सहायक की भूमिका किस तरीके से निभाता है या दूसरी भाषा में कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका क्या होगी पहली चीज़ ये संसाधनों का संग्रहण करता है अब आपको पता है कि संसाधन के रूप में हमने चार संसाधन पड़े उत्पादन के भूमि श्रम पूंजी उद्यमशीलता जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पूंजी है और श्रम भी है तो ये पूंजी का खासकर संग्रहण करता है जगह जगह पर आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से छोटे छोटे उद्योगों को ये लोन प्रदान करता है अर्थात पूंजी के रूप में लोन प्रदान करता है तो संसाधनों का संग्रहण भी तो इसके पास अधिक है तभी तो ये लोन प्रदान कर पा रहा है तो सबसे बड़ी बात हमने देखी कि जो बैंकिंग संस्थाएं होती हैं जिनके पास लोन लेने लेते समय जब गांव का व्यक्ति जाता है या कोई शहर का व्यक्ति जाता है या कोई व्यापारी वर्ग जाता है अगर वो छोटा व्यापारी वर्ग है तो उससे बहुत सारी जटिल प्रक्रियाएं भरवाई जाती हैं फॉर्म्स भरवाए जाते हैं तमाम तरीके के डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स मांगी जाती हैं जिसकी वजह से वो लोन पास कराने के लिए इच्छुक नहीं होता है और अपनी व्यापारिक गतिविधियों को सीमित कर लेता है या तो फिर बंद कर देता है ऐसी समस्याओं से निजात पाने के लिए एन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इन छोटे छोटे श्रमिकों को इन छोटे छोटे व्यापारियों को बहुत आसान किस्तों के साथ आसान डॉक्यूमेंट्स के साथ लोन प्रदान मिल कर देता है इससे क्या होता है उन लोगों का जो मनोबल हतोत्साहित हो रहा था वो प्रोत्साहित हो जाता है और वो व्यापार की साइकिल को दोबारा शुरू कर देते हैं और जिसका परिणाम क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था भी अपनी रफ्तार पकड़ने लगती है क्योंकि तो आपने पढ़ा होगा या अक्सर न्यूज में भी सुना होगा और मैंने भी चर्चा की थी कि बड़े उद्योगों से ज़्यादा सबसे बड़ा रोल एम सेक्टर का है मैंने एम सेक्टर पर जब करेंट अफेयर्स के रूप में पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था कि फोर्टी परसेंट रोल इंडियन जीडीपी में इंडियन इकोनॉमिक जीडीपी में फोर्टी परसेंट रोल एमएसएमई का है तो इस तरीके से आपने देखा और पूंजी निर्माण कैपिटल फॉर्मेशन हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे कि पूंजी का निर्माण कैसे होता है ध्यान दीजिएगा यहाँ पूंजी का निर्माण केवल पैसे को बनाने से नहीं है यहाँ ह्यूमन कैपिटल भी बनेगा रिसोर्स कैपिटल भी बनेंगे और लैंड कैपिटल भी बनेंगे बहुत सारे कैपिटल्स बनते हैं जैसे मानव भी एक संसाधन है लेकिन अगर उसको स्किल्ड कर दें उसको कौशल प्रदान कर दें तो वो भी एक पूंजी की तरह काम करता है अगर अनस्किल्ड है तो पूंजी उत्पादक नहीं हो सकता लेकिन अगर हमने उसको कुछ शिक्षा दे दी उसको कुछ तकनीकी कौशल प्रदान कर दिया तो वो अपना एक नया व्यापार कर सकता है या नया रोजगार प्राप्त कर सकता है और इस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देगा तो पूंजी निर्माण होता है अगला पॉइंट हम देखते हैं कि दीर्घावधिक ऋण या विशेष ऋण का प्रावधान करता है आपने पढ़ा था बैंकिंग सेक्टर में कि बैंक जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है तो उसकी किस्तें या दूसरी भाषा में कहें उसकी इंटरेस्ट रेट भी महंगे हो जाते हैं लेकिन यहाँ पर दीर्घावधिक ऋण एन सस्ते ऋण पर भी दे देती है अर्थात सस्ती इंटरेस्ट रेट पर भी देती है और साथ ही साथ वित्तीय बाज़ारों के विकास में मददगार होती है अब वित्तीय बाजार जो छात्र आज नए जुड़े हों या जो मित्र नए जुड़े हों वो मेरी पुरानी क्लास में जाके देख सक देख सकते हैं जहाँ मैंने वित्तीय बाज़ार और उनके घटक के बारे में बहुत डिटेल से चर्चा की है आगे हम देखते हैं विदेशी अनुदान को भी आकर्षित करने में मददगार होते हैं अब देखिए विदेशी अनुदान अर्थात जब हमारे यहाँ की बहुत बड़ी बड़ी एन बी एफ सी कंपनियाँ एक रोल मॉडल प्ले करती हैं या भारतीय अर्थव्यवस्था की जी डी पी को सुधारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं तो बहुत सारी संस्थाएँ विदेश की होती हैं जैसे आई एम एफ हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया या मेलिंडा बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन हो गया जो बिल गेट्स का है या मार्क जकरबर्ग के जो फाउंडेशन है यहाँ से बहुत सारा अनुदान मिलने लगता है और ध्यान दीजिएगा हम अनुदान वर्ड की बात कर रहे हैं अनुदान एक तरीके से ग्रांट होता है जिसको रिटर्न करने की कोई बाध्यता नहीं होती है अर्थात अनुदान मिलने के बाद इसे वापसी करने का कोई टेंशन नहीं होता है जिसको कहते हैं फ्री में जो है कि कुछ हमें मिल जाना तो अनुदान यहाँ एक रुपये का नहीं मिलता है लाखों करोड़ों अरबों में अनुदान मिलता है और वो अनुदान भारतीय अर्थव्यवस्था में एक मजबूती प्रदान करता है तो एन की भूमिका हो गई आप देखेंगे समावेशी विकास को बढ़ावा देना समावेशी विकास का एक मुख्य लक्ष्य है कि देश के अंतिम व्यक्ति को भी बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना जब वो बैंकिंग प्रणाली से नहीं जुड़ पाता है तो एन के द्वारा उसको बैंकिंग प्रणाली जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं उसको लोन दिया जाता है आवश्यकता पड़ने पर उसको छोटे मध्यम स्तर के लोन दिए जाते हैं ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिससे वो अपने व्यापारिक गतिविधियों को या अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर लेता है इसी के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं को ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना अब आपको बुनियादी ढांचा पहले मैं बता दूं जिस तरीके से मान लीजिए रोड हो गया सड़क जिसे हम कहते हैं कोई पुल हो गया कोई हाईवे हो गया जब इन सब का निर्माण होता है तो छोटी मोटी कंपनी नहीं करती हैं इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां टेंडर भरती हैं और उस कंपनियों के पास पैसा भी होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में जब कंपनियों के पास पैसा कुछ पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है और सरकार भी पैसा देने में असमर्थ हो जाती है तो ऐसे प्रोजेक्ट सामान्यतः रोक दिए जाते हैं आपने बहुत से अपने आसपास के प्रोजेक्ट्स को देखा होगा सुना भी होगा कि किसी पुल को बनने में करीब बीस साल लग गए किसी रोड को कंस्ट्रक्शन कराने में करीब पंद्रह साल लग गया ऐसा क्यों होता है क्या सरकार के पास पैसे नहीं हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कंपनी प्राइवेट कंपनी जो ठेका लेती है या टेंडर पास होता है उसका तो वो कंपनी जब पर्याप्त रूप से पैसे को नहीं लगा पाती है और सरकार भी देने में जो है कि संकोच करती है या सरकार देने में हिचकिचाती है पैसे को तो वो प्रोजेक्ट सामान्यतः रुक जाते हैं और ऐसी स्थिति में उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एन जो है कि बड़ी बड़ी जो एन की कंपनी होती हैं उस कंपनी को टेंडर वाली कंपनी को जो रोड बनाने का ठेका लिया है या पुल बनाने का ठेका लिया होता है उसको लोन देती है या उनको सुविधा प्रदान करती है किसकी ऋण की सुविधा कि तुम पहले बुनियादी संरचना को तैयार करो जो पैसा चाहिए वो हम दे रहे हैं उसके बाद उनका जो भी उसमें एग्रीमेंट होता है कि हम कितने परसेंट पे लेंगे कितने परसेंट पे नहीं लेंगे लेकिन मुख्य बात ध्यान दीजिए कि बुनियादी ढांचे को बनने से रोका नहीं जाता है आज नहीं तो कल उसको पूरा किया जाता है क्योंकि बुनियादी ढांचे की जो आवश्यकता है वो आम पब्लिक को है आम जनता को है सामान्य तौर पर देखा जाए तो ठीक है दोस्तों तो ये इसका एक मेंस का अप्रोच हो गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो छह सात पॉइंट है अगर आप इनको डिटेल में और बेहतर तरीके से लिखेंगे तो सामान्यतः ये आपका एक आंसर पूरा तैयार हो जाएगा कि एन की क्या भूमिका हो सकती है अब हम एक फैक्ट के रूप में बढ़ते हैं आगे ध्यान दीजिएगा फरवरी 2018 में करंट अफेयर्स के रूप में है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा पैंतालीस आई ए फोर्टी फाइव आई ए के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक में जितने भी पंजीकृत एन बी एफ सीज़ हैं उनमें अगर किसी प्रकार का घोटाला होता है किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होता है किसी प्रकार का दिवालियापन होता है या एन बी एफ सीज़ का पैसा कहीं फंस जाता है जैसे किसी कंपनी को ऋण दिया या किसी व्यापारी को ऋण दिया और वो पैसा रिटर्न नहीं हो रहा है तो ऐसे में एन बी एफ सीज किसके पास जाएगी शिकायत करने या किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की गई है एन के द्वारा या किसी कंपनी को समय से पैसा नहीं मिला और एन ने धोखाधड़ी कर दी है या कुछ दिवालियेपन की स्थिति आ गई है तो ऐसी स्थिति में व्यापारी वर्ग या वो प्राइवेट कंपनी एन के खिलाफ शिकायत करने कहाँ जाएगी तो इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए आर के द्वारा फरवरी दो में शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल योजना शुरू की गई है ध्यान दीजिएगा एक बैंकिंग लोकपाल की बात भी है लेकिन हम यहाँ पे नॉन बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं एन के लिए बात कर रहे हैं हम बैंकिंग लोकपाल की बात अभी नहीं कर रहे हैं आप लोग कहीं कन्फ्यूज़ हो के बैंकिंग सेक्टर के लोकपाल और एन के लोकपाल को एक मत कर दीजिएगा हम बैंकिंग सेक्टर के लोकपाल की बात बाद में करेंगे और साथ ही साथ इसके जो कार्यालय हैं चेन्नई कोलकाता मुंबई और नई दिल्ली में कार्य करेंगे और आपको पता है ये चारों ही मेट्रो सिटीज़ हैं ठीक है दोस्तों तो अब हम आगे आते हैं एक फैक्ट के रूप में हम देखते हैं जहाँ से प्री के क्वेश्चन फिर तैयार होंगे आपके बैंक और एन में अंतर की हम बात करेंगे क्योंकि तो बैंक इसके साथ साथ जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैंक और एन में क्या अंतर होता है तो आइए हम अंतर की बात करते हैं अगर हम पहले अंतर को देखें तो बैंकिंग विनिमय विनियमन अधिनियम के तहत इनको लाइसेंस मिलता है और आपको पता है कि बैंक को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर का जो एक्ट है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन है जिसके तहत कोई भी नया बैंक ओपन किया जाता है तो उसको लाइसेंस प्रदान किया जाता है जबकि कंपनी अधिनियम के तहत लाइसेंस दिया जाता है एन को कंपनी अधिनियम कौन सा 2013 हज़ार या दूसरी भाषा में कहें तो 1956 इनके तहत इनको लाइसेंस दिया जाता है जिससे ये काम करते हैं और बैंकिंग के लिए कौन सा दिया जाता है 1949 का आगे हम देखते हैं इनकी सभी की देख रेख आर के द्वारा होती है बैंकिंग की जितनी भी बैंक होती हैं चाहे वो कॉरपोरेटिव बैंक हों या फिर आपकी कमर्शियल बैंक हों या गवर्नमेंट बैंक हों उन सब की देखरेख आरबीआई के द्वारा की जाती है लेकिन क्या सभी एन की भी देख रेख आर के द्वारा होती है तो मैंने अभी बताया कि अधिकांश एन की तो देख रेख आर करता है लेकिन कुछ हैं जिनकी इर्डा जैसे बीमा के लिए इरडा करेगा और मर्चेंट कंपनी के लिए सेवी करता है तो इस तरीके से कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो आर के नियंत्रण से बाहर हो कुछ अलग से जो संस्थाएं होती हैं उनके नियमन में काम करती हैं आगे देखते हैं हम तीसरे पॉइंट को ध्यान दीजिएगा जो निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं दोस्तों उसमें सेवेंटी फोर परसेंट तक एफ डी आई की अनुमति होती है लेकिन जो एन बी एफ सीज होती है उसमें हंड्रेड परसेंट की एफ डी आई की अनुमति होती है और इस पॉइंट को ध्यान रख लीजिएगा ये पी टी में अक्सर पूछे जाते हैं जितने भी यू पी एस सी या स्टेट पी एस सी के एग्जाम्स होते हैं उसमें साफ साफ पूछ लिया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक में कितने परसेंट की एफ होती है और एन में कितने परसेंट की एफ की अनुमति होती है तो एफ 100 परसेंट होगी एनबीएफसी में और 74 परसेंट होगी बैंकों में वो भी निजी क्षेत्र के बैंक गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक नहीं क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर तभी कहलाता है जब उसकी 51 परसेंट हिस्सेदारी कम से कम हो और अगर सेवेंटी फोर परसेंट हिस्सेदारी गवर्नमेंट सेक्टर में दे दी गई तो फिर गवर्नमेंट का सेक्टर ही नहीं बचेगा वो प्राइवेट सेक्टर हो जाएगा इसीलिए प्राइवेट सेक्टर में ही सेवेंटी फोर परसेंट की एफ हो सकती है अगर हम अगले पॉइंट को देखें तो सरकार द्वारा अधिकृत वित्तीय माध्यम होता है बैंक क्या है सरकार के द्वारा बना हुआ जो आर सिस्टम है उसके द्वारा ये अधिकृत होता है यानी बैंकों में जो करेंसी चल रही है बैंकों के जो नियम होते हैं वो सब सरकार के द्वारा रेगुलेट होते हैं बैंक से संबंधित जितने भी नियम होते हैं उनको सरकार आर के माध्यम से परिवर्तित भी कर देती है परंतु यहाँ पर बिना बैंक लाइसेंस के लोगों को बैंकिंग देना कहने का मतलब एन जो बैंकिंग सेवाएं लोगों को देती है उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है ये कंपनी अधिनियम के तहत काम करती है न कि बैंकिंग लाइसेंस के तहत तो इसको बैंकिंग सुविधाएं देने के लिए भी बैंकिंग लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है और इसी के साथ इसका एक और लास्ट अंतर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस तरीके से एफ वाले पॉइंट को याद रखा है आप लोगों ने उसी तरीके से इस पॉइंट को भी याद जरूर रखिएगा होता क्या है इसमें कि बैंक को रिजर्व रेशियो जो होते हैं सी और एस एल आर ये मेंटेन करना आवश्यक होता है लेकिन एन बी एफ सीज़ को इस प्रकार के आरक्षित अनुपात बनाए रखना आवश्यक नहीं है और यहाँ से हमेशा एक ऑप्शन दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि क्या बैंकों को सी आर आर और एस एल आर मेंटेन करना आवश्यक है बनाए रखना आवश्यक है अगला ऑप्शन देता है कि क्या एन बी एफ सीज को भी सी आर आर और एस एल आर बनाए रखना आवश्यक है तो आपका उत्तर हो जाएगा नहीं इनको सी और एस जैसी कोई चीज़ मेंटेन रखने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रोग्राम और आज की हमारी एक क्लास थी एन के ऊपर मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत सहायक सिद्ध हो रही होगी और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही है तो और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले हमारे मिले और इसी के साथ अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को बहुत अधिक लोगों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो को भी शेयर कीजिएगा दोस्तों और जी हाँ दोस्तों अब हमारी ये वीडियो लगातार कंटिन्यू रहेंगी और इसी के साथ जय हिंद जय जै भारत